हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गलवानोमीटर एज एम मीटर तो हमें पता है गैलवानोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट का मेजरमेंट परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है और गैलवानोमीटर बेसिकली जो करंट को मेजरमेंट कर सकता है वो होता है समवेयर अराउंड फाइव हंड्रेड माइक्रो एमपियर मैक्स टू तो मैक्स तो जो गैलवानोमीटर होता है वो पाँच सौ माइक्रो एमपियर तक के जो करंट है उसका मेजरमेंट कर सकता है तो हमें बात ये करना है हमें डिस्कस ये करना है गेलवानोमीटर एज अ एम मीटर जो गैलवानोमीटर है उसको हम लोग एज अम मीटर यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये सर्किट जैसे कि हमने डिस्कस किया 500 सौ माइक्रो एम्पियर तक के जो गैलवानोमीटर होगा करंट का मेजरमेंट परफॉर्म कर पाएगा तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये हमने एक सर्किट डिज़ाइन की ये सर्किट में यहाँ पर कनेक्टेड लोड रेसिस्टेंस यहाँ पर हमने कनेक्ट किया बैटरी और सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है वन मिली एम्पियर का करंट और यहाँ पर हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गैलवानोमीटर सर्किट में फ्लो रहा है वन मिली एमपियर करंट और गैलवानोमीटर मेजरमेंट परफॉर्म कर सकता है पाँच सौ माइक्रो एमपियर तक के तो जो ओवर करंट होगा वो गैलवानोमीटर के कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा हैंस जो गेलवानोमीटर होगा वो डैमेज कर जाएगा तो अगर वन मिली एमपियर करंट फ्लो हो रहा और गैलवानोमीटर को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें सर्किटरी में तो जो गैलवानोमीटर है वो पक्का ख़राब हो जाएगा मगर उसके बावजूद भी जो गेलवानोमीटर होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एम के तौर पर मगर उसके लिए हमें सर्किटरी में कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा मतलब हमें सर्किट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा कि जो वन मिली एमपियर करंट है वो वन मिली एम्पियर करंट में से सिर्फ दो सौ माइक्रो एम्पियर या फिर तीन सौ माइक्रो एम्पियर करंट गेलवनोमीटर के थ्रू फ्लो करे और बाकी का जो करंट है वो सर्किट के कोई और पार्ट से फ़्लो करे या फिर हम लोग बोल सकते हैं हम लोग सर्किट को कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि जो मैक्सिमम करंट होगा वो सर्किट के कहीं और पार्ट से बायपास हो जाएगा और बाकी का जो करंट होगा वो गेलवानोमीटर के थ्रू फ्लो करेगा यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जो कि गेलवानोमीटर के, के थ्रू फ्लो करेगा और जो बाकी का जो करंट होगा वो सर्किट के थ्रू आई मीन जो बाकी की जो दूसरी जो सर्किट कनेक्टेड है उसके थ्रू फ्लो करेगा तो जो गैल्वोनोमीटर में जो करंट फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए जब जाके हमें जो रीडिंग मिलेगी वो कॉन्स्टेंट रीडिंग मिलेगी सर्टन अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम गेल्वानोमीटर एंड रेस्ट फ्रॉम अनदर सर्किट देन वी कैन ऑप्टेन रीडिंग फ्रॉम द गेलवानोमीटर अगर थोड़ा बहुत करंट अगर गैलवानोमीटर के थ्रू फ्लो करता है अगर टेन परसेंट करंट अगर गैलवानोमीटर के थ्रू फ्लो करता है और नाइन्टी परसेंट करंट सर्किट के कोई और पार्ट के थ्रू फ्लो करता है तो उस केस में जो गैलवानोमीटर है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एम के तौर पर सर्टन अमाउंट ऑफ करंट कॉन्स्टेंट होना चाहिए मैग्नीट्यूड में मतलब जो सर्टन अमाउंट ऑफ करंट जो कि गैलवानोमीटर के, के थ्रू फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड है कॉन्स्टेंट होना चाहिए एक्यूरेट रीडिंग के लिए हैंड्स गेलवानोमीटर कैन बी यूज एज अ एम तो जो सर्किट होगी उसको हम लोग किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते तो यहाँ पर जो सर्किट होगी हम लोग उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पर ये लोड कनेक्टेड है यहाँ पर कनेक्टेड है गेलवानोमीटर गैलवानोमीटर के साथ हमने पैरेलेली कनेक्ट किया है एक रेसिस्टेंस और ये जो रेसिस्टेंस जो कि पैरेलेली कनेक्ट किया गया गेलवनोमीटर के साथ ये रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस और इसकी जो वैल्यू होती है शंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो गेलवानोमीटर के रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत 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 कम होती है यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गेलवानोमीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया आठ ओम तो ये जो शंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगी वो होगी टू हंड्रेड ओम तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आई मीन टू ओम नॉट टू हंड्रेड ओम टू ओम यहाँ पर ये गेलवानोमीटर का रेसिस्टेंस आठ ओम है और ये जो शंट रेसिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो है टू ओम तो वन मिली एम्पियर करंट अगर सर्किट में फ्लो करता है तो उस केस में जो 800 सौ माइक्रो एम्पियर करंट होगा वो ये शंट रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा क्योंकि शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है और जो 200 हंड्रेड माइक्रो एम्पियर करंट होगा वो ये एट और जो गेलवानोमीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा आई मीन गेलवानोमीटर के थ्रू फ्लो करेगा तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गेलवानोमीटर के थ्रू कम करंट फ्लो कर रहा है और ये जो शंट रेजिस्टेंस है उसके थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है उसका रीज़न क्या है हम लोग देख लेते हैं हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में इन पैरेलल कनेक्शन स्प्लिटिंग ऑफ करंट एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट पैरेलल कनेक्शन में जो स्प्लिटिंग होगा करंट का या फिर जो करंट जो स्प्लिट करेगा किसी भी जंक्शन पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो रे, रेसी होगा या फिर बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सर्किट के रेसिस्टेंस के साथ मतलब जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पर जो करंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा और जहाँ पर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर जो करंट होगा कम से कम फ़्लो करेगा तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो कम है तो यहाँ पर जो करंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो कर रहा है जो कि 800 सौ माइक्रो एम्पियर और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा है मतलब जो गेलवानोमीटर का जो रेसिसटेंस है वो ज़्यादा है जिसके वजह से गेलवानोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है टू हंड्रेड माइक्रो एम्पियर और ये जो टू हंड्रेड माइक्रो एम्पियर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए तब जाके हमें जो रीडिंग मिलेंगी वो एक्यूरेट रीडिंग मिलेंगी और यहाँ पर ये जो शंट रेसिस्टेंस हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए और ये शंट रेसिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए तब जाके जो गेलवानोमीटर होगा उसको हम लोग एम मीटर के तौर पर यूज़ कर पाएंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गेलवानोमीटर और ये जो शंट रेसिस्टेंस है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है गेलवानोमीटर के साथ ये पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एम मीटर अभी हम लोग ऑप्टेन करेंगे इक्वेशन और वो इक्वेशन के हेल्प से जो शंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे तो यहाँ पर हम लोग थोड़े और पैरामीटर्स कंसिडर कर लेते हैं मतलब यहाँ पर ये जो गेलवानोमीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो होगा आर जी और ये जो शंट रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे आर एस एच और ये गेलवानोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर किया आई जी और यहाँ पर ये जो जंक्शन है उसको हमने कंसिडर किया जंक्शन है और यहाँ पर ये वाला जो जंक्शन है उसको हमने कंसिडर किया जंक्शन भी और यहाँ पर ये शंट रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे आई एस और ये जो मेन करंट जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा है वन मिली एमपियर का उसको हमने कंसिडर किया आई करंट यहाँ पर बहुत हद तक के क्लियर है कि जो आई करंट होगा वो गैलवानोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कंपेरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हमने लिखा भी है जो आई आई जी है वो है मैक्सिमम करंट जो कि गैल्वेनोमीटर सपोर्ट कर सकता है और जो आर एस एच है वो है शंट रेसिस्टेंस और जो आर जी है वो है रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का और जो आई है वो है मेन करंट वन मिली एम्पियर का जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा है यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमें पता है हमने किच करंट लॉ डिस्कस किया है यहाँ पर ये बी पर जब करंट आएगा वन मिली एम्पियर का करंट जब जंक्शन बी पर आएगा तो उसके इसमें दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा आठ सौ माइक्रो एम्पियर करंट और दो सौ माइक्रो एम्पियर करंट दो सौ माइक्रो एम्पियर करंट गैलवानोमीटर के थ्रू फ्लो करेगा और जो आठ सौ माइक्रो एम्पियर करंट होगा वो ये शंट रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा तो हम लोग बोल सकते हैं जो मेन करंट होगा वो होगा आई और वो बराबर में होगा आई करंट जो कि होगा शंट करंट शंट करंट कितना है जो कि 800 हंड्रेड माइक्रो एम्पियर प्लस गेलवानोमीटर करंट जो कि होगा 200 हंड्रेड माइक्रो एम्पियर सिमिलरली दोनों जो करंट हो गए गैलवानोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है जो कि 200 हंड्रेड माइक्रो एम्पियर और ये शंट असिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है जो कि 800 सौ माइक्रो एम्पियर दोनों ये वाले जंक्शन पर आके मिलेंगे और ये जंक्शन से जो आउट गोइंग करंट होगा वो सिमिलरली वन मिली एम्पियर का होगा तो हम लोग बोल सकते हैं जो आई करंट होगा वो बराबर में होगा आई एस करंट प्लस आई जी करंट आई एस करंट शंट करंट आई जी करंट गैलवानोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो गैलवानोमीटर और ये जो शंट रेसिस्टेंस है दोनों पैरेलली कनेक्टेड है इसका मतलब ये जो पॉइंट है और पॉइंट भी या फिर सिंपल वर्ड में गैलवेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये जो शंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम होगा तो जो गैलवनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा वी इक्वल टू आई जी इंटू आर जी और ये शंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा वी इक्वल टू आई एस इंटू आर एस ये जो आई एस है वही शंट करंट आर एस है शंट रेसिस्टेंस आई जी गैलवानोमीटर करंट आर जी गैलवनोमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस तो ये दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गए बराबर में हो गए क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेम तो हम लोग लिख सकते हैं आई जी इंटू आर जी इक्वल टू आई एस इन आर एस इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आई जी डिवाइडेड बाई आई एस इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाई आर जी यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया आई जी प्लस आई एस इक्वल टू आई यहाँ पर ये जो आई एस जो शंट करंट है उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी इसको अभी हम लोग डिवाइड करेंगे आई जी के साथ तो हमें मिल जाएगा आई एस डिवाइडेड बाई आई जी मतलब ये वाला जो इक्वेशन है उसको हमने आई जी के साथ डिवाइड करना है तो हमें मिल जाएगा आई एस डिवाइडेड बाई आई जी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई आई जी माइनस आई जी डिवाइडेड बाई आई जी यहाँ पर ये जो आई एस डिवाइडेड बाई जो आई जी होगा वो बराबर में होगा आर एस डिवाइडेड बाई आर जी के तो हमें मिल जाएगा आर एस डिवाइडेड बाई आर जी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई आई जी और ये आई जी डिवाइडेड बाई आई जी हो जाएगा वन तो जो आई जी होगा वो वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा आर एस डिवाइडेड बाई आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी डिवाइडेड आई जी तो यहाँ पर शंट रेसिस्टेंस के लिए हमें बनाना है इक्वेशन तो हमें मिल जाएगा आर एस एच यहाँ पर ये जो आर एस है शंट रेसिस्टेंस आर एस एच उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया इक्वल टू आर जी इंटू आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी तो यहाँ पर जो शंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे विद दी हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ये वाला जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये इक्वेशन का यूज़ करते हुए जो शंट रेसिटेंस की जो वैल्यू होगी जो कि पैरेलली कनेक्टेड है गैल्वनोमीटर के साथ उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं